Okay, let's begin now. See, this is our new, topic in our chapter. हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं ऑलरेडी. लेट अस ट्राई टू कंप्लीट अवर चैप्टर टुडे. अभी देखो, इसमें ना सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम है. देर इज़ अ न्यू टॉपिक which is known as, there is new point which is known as determinants of risk premium. अभी determinants का मतलब क्या होता है? तो आ रही है? मुझे ना आपकी आवाज क्रैक हो रही है. क्या बोल रही हो? चैट बॉक्स में लिखो नहीं तो. राइट इट इन द चैट बॉक्स. आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है. यस मैम. ओके ओके. सो सी, डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनेंट्स? डिटरमिनेंट्स मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग. हम कहते हैं ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती है. जितना रिस्क अटैच होगा किसी की एसेट पे, उतना ज्यादा प्रीमियम होता है. ये आपको आइडिया है इसकी? अगर कार बहुत पुरानी है, बिल्डिंग बहुत पुरानी है, घर बहुत पुराना है, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब होने, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रिस्क भी ज्यादा होते हैं. तो जितना ज्यादा किसी एसेट पे, किसी की लाइफ पे अगर रिस्क ज्यादा अटैच है, तो कंपनी आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करती है. ठीक है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी को प्रीमियम डिसाइड करने में हेल्प करते. देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं. ये देखो, ये चार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको? क्लियर है इमेज? इमेज क्लियर है सबको? हाँ. अभी देखो ये ना फैक्टर्स हैं, एज, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइफस्टाइल चॉइसेस, ओबेसिटी. मतलब जो ज्यादा फैट लोग होते हैं ना, जो उनका हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं अगर वो फैट है, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी. ठीक है ना. अभी एक एक हम करके देखेंगे कि क्या वो बोल रहे हैं. अभी देखो, एग्जाम्पल ले लो एज का. क्या एज वो फैक्टर है जिसके ऊपर कंपनी सोचती है कि मतलब प्रीमियम डिसाइड करने से पहले एज इज अ फैक्टर जिसके ऊपर कंपनी सोचती है? यस. क्योंकि अगर यंग एज है, समझो अगर यंग एज है, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल ले लो, आई एम एट अ यंग एज, तो मेरा प्रीमियम क्या होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ के साथ रिस्क कम अटैच है. मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, ठीक है, और मैं अच्छे अच्छे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो मेरी जो एज है ना वो लेस प्रोन टू डिजीजेस है. मतलब मैं डिजीजेस को, वो बोलते हैं ना, अभी जैसे कोरोना का भी आपको पता होगा कि छोटे बच्चों में जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है, बिल्कुल है ही नहीं, और ओल्ड एज को ज़्यादा पकड़ रही है कोरोना. ठीक है, तो यंग एज को क्यों नहीं? क्योंकि यंग एज के जो लोग होते हैं ना, वो हेल्दी एंड फिट होते हैं, तो उनमें चांसेस कम होते हैं डिजीजेस को पकड़ने के, उनमें चांसेस कम होते हैं. ठीक है ना. तो इसको बोला गया एज फैक्टर. एज ऐसा फैक्टर है जिसको कंपनी चेक करती है प्रीमियम डिसाइड करने से पहले. अगर समझो आपकी एज ज़्यादा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम डिजीजेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है ना, हमारे ऊपर ज़्यादा डिजीजेस आती हैं क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम होता जाता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है वो एज फैक्टर. ठीक है, जनरली ये देखा गया. वैसे अगर आप योगा करते रहो और एक्सरसाइजेस करते रहो तो फिट एंड फाइन रह सकते हैं. एक्सेप्शंस फॉलो तो हर केस में होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल केसेस की. आप देखोगे ओल्ड एज में हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जाते हैं, तो क्योंकि हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, मतलब रिस्क भी बढ़ रहा है. इजीली कुछ भी इंसान को हो सकता है, जल्दी डिजीजेस कैच कर सकती हैं, इसके लिए प्रीमियम भी ज़्यादा होता है जैसे जैसे एज बढ़ेगी. हैंस एट द हायर एज द रिस्क इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे डिजीजेस को ज़्यादा कैच कर सकते हैं, मतलब डिजीजेज आपको ज़्यादा जल्दी कैच कर सकती है. कॉन्सिक्वेंटली योर इंश्योरेंस प्रीमियम विल गो अप.
इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होगा वो भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यंग एज। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट सबको? क्लियर है इतना तो आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। ओके, ये क्या ओपन हो गया? नेक्स्ट है हमारा लाइफस्टाइल। अभी लाइफस्टाइल का यहाँ पे मतलब क्या है? लाइफस्टाइल मतलब हमारी लाइफस्टाइल है ना, बहुत ऐसे हाईफाई है और हम सारा टाइम देखो तो हम घर पे तो कुछ बनाकर खाते नहीं है, घर का खाना खाते नहीं है, हम सिर्फ बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड पे हमारी लाइफस्टाइल बहुत ऐसी है जिसमें हम लोग है ना किटी पार्टीज एंड पार्टीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्टर्स को, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसे खाना खाते हैं जो मतलब ऑफकोर्स घर का भी खाते होंगे बट ज़्यादातर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जैसे बाहर घूमने जाना एंड पिकनिक्स पे जाना और शूटिंग पे जाना, बाहर का खाना उनका ज़्यादा ना खाना बाहर का होता है आप देखोगे तो जितना ज़्यादा हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं उतनी ज़्यादा मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो रिस्क भी ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा मतलब प्रीमियम भी ज़्यादा। जितनी आपकी लाइफस्टाइल सिंपल रहेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप प्रीमियम भी आपसे कम चार्ज किया जाएगा क्योंकि रिस्क कम है। नेक्स्ट प्रोफेशन, किसी किसी के प्रोफेशन में ना प्रोफेशन ही ऐसा होता है जैसे केमिकल की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो केमिकल ऑयल गैसेस माइनिंग की फैक्ट्री है जिस पे आप काम कर रहे हो, है ना, तो ऑलरेडी आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है ना, आप ऑलरेडी उस कंडीशन में हो जिसमें आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। बड़ी बड़ी मशीन्स में आपको हाथ डालने पड़ते हैं और ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है आपको, तो रिस्क ज़्यादा है ना आपकी लाइफ के साथ, कभी हाथ कट भी सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है मशीन के साथ, तो इसलिए आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब प्रोफेशन भी एक फैक्टर है जिस पे कंपनी सोचती है प्रीमियम चार्ज करने से पहले, पूछती है आपसे कि आप किस प्रोफेशन में हो। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये एक्चुअली दोनों एक ही पॉइंट होनी चाहिए, पता नहीं इन्होंने क्यों अलग अलग बनाए हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब आपकी हैबिट्स, अगर आपकी हैबिट्स में स्मोकिंग ज़्यादा है तो आपकी लाइफ में रिस्क ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो लंग्स पे इफेक्ट करेगा, लंग्स पे इफेक्ट करेगा तो आपका मतलब प्रॉब्लम है ना, डिजीज जल्दी कैच करेंगी या फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है, लंग्स एक लंग्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स ब्लॉक हो सकते हैं, उसमें से लंग्स पे जो पास होता है आपका वो ब्लॉक हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ेगा मतलब कंपनी आपसे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेगी। ठीक है, वैसे ही होता है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहलिक ड्रिंकिंग की बात चल रही है यहाँ पे, तो क्योंकि आपको पता है ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो अगर आप ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं जैसे लिकर बियर एंड ऑल, तो उससे भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है जिससे हमारी लाइफ का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, तो रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो कंपनी को ये जानकारी तो निकालनी पड़ेगी ना कि आप रेगुलर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं। ठीक है ना, लाइफस्टाइल चॉइसेस। अभी ना किसी किसी की लाइफस्टाइल में ना किसी किसी को अच्छा लगता है थ्रिलिंग करना, कार की रेसिंग में जाना, क्लाइंबिंग करना और माउंटेन्स चढ़ना, जिसको ट्रैकिंग बोलते हैं, ट्रेचरस माउंटेन मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स पे क्लाइंब करना, मतलब ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ना किसी को बहुत अच्छा लगता है। उनकी चॉइस होती है कि मेरी लाइफस्टाइल में ये इन्वॉल्व हो जाए, मतलब मैं हर 6 महीने में ट्रैकिंग करने जाऊँ, हर 6 महीने में मतलब जो एडवेंचरस लाइफ है वो मुझे इंजॉय करना पसंद है, तो उनकी लाइफ के साथ रिस्क भी ज़्यादा है। या फिर आपने ट्रेनर्स देखे होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल दिया था, याद है वो एग्जाम्पल दिया था वो मूवी का जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद आया? उस मूवी में अगर आप देखोगे ना तो वो कैटरीना उसमें ट्रेनर है, स्कूबा ड्राइविंग सिखाती है उनको, है ना। अब जो वो आपने देखा होगा वो हेलीकॉप्टर में जाकर नीचे, फिर उनको दे हैव टू जंप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एंड दे हैव टू फ्लाई, वो देखा है आपने सीन उनका? उसमें भी तो उनको कोई ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो ऐसे लोग जो एडवेंचरस ट्रेनिंग देते हैं उनकी भी तो लाइफ रिस्क में होती है।
तो आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस ही ऐसी हैं जो थ्रिल आपकी लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर ज्यादा है, डरावनी चीजें ज्यादा है ना, तो इसके लिए आपका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। ओबेसिटी, अब आपको पता है ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, देखो कितनी सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, मतलब ही समझ में आ गया पढ़ के। ओबेसिटी इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स प्रीमियम, मतलब अगर आपके अगर अगर आपको पता है ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी मतलब फैटनेस, बॉडी में अगर फैटनेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कैच कर सकती हैं आपकी बॉडी में। देखो हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोरोनरी प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर सिर्फ अगर इंसान सिर्फ ओबेसिटी में है, मतलब अगर फैटनेस में है, अगर बॉडी बहुत फैट है तो भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ के साथ ज़्यादा रिस्क अटैच है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ उतनी छोटी होती है ना, तो लाइफ लाइफ के साथ रिस्क ज़्यादा अटैच होता है, तो जितना ज़्यादा रिस्क अटैच होगा कंपनी उतना ज़्यादा आपके साथ रिस्क शेयर कर रही है, तो कंपनी फ्री में थोड़ी रिस्क लेती है, कंपनी तो आपसे चार्ज करेगी ना, तो रिस्क ज़्यादा तो प्रीमियम भी ज़्यादा चार्ज करेगी, अगर रिस्क कम में है, फिट हेल्दी फाइन हो तो प्रीमियम भी कम होता है। क्लियर हुआ सबको ये? Yes, ma'am. देखा कितनी इजी पॉइंट्स थी, हमने क्या पढ़ा अभी, डिटरमिनेंट्स मतलब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रीमियम प्रीमियम डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं कंपनी के लिए। हाँ ये अभी आ जाओ नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अभी हम बार 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 बोल रहे हैं प्रीमियम प्रीमियम है ना, बार बार बोल रहे हैं ना प्रीमियम, ही होता क्या है प्रीमियम? प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाला पर्सन जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उसको कंपनी को कुछ ना कुछ तो चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट कस्टमर, कस्टमर जब पॉलिसी खरीदता है, फॉर परचेजिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट हैज टू पे द प्राइस, कुछ तो चार्ज भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ प्रीमियम पर 1000 rupees ऑफ सम अश्योर्ड, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम होता है 10%, 20%, ऐसा रेट ऑफ प्रीमियम डिसाइड होता है, कंपनी डिसाइड करती है और आपको उतना भरना पड़ता है। ठीक है, द रेट दैट आर प्रिंटेड इन थीसिस टेबल आर नोन एज ऑफिस प्रीमियम, एक है ना इनके पास टेबल होती है ऑफिस मतलब ऑफिस प्रीमियम मतलब इनके पास जो कंपनीज होती है ना इनके पास एक टेबल बनी हुई होती है, उन टेबल्स के हिसाब से जो रेट्स डिसाइड होते हैं ना 10%, 20%, उसे कहते हैं ऑफिस प्रीमियम। उन्हें अभी हमने पहले पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेवल प्रीमियम, लेवल प्रीमियम मतलब दोनों के बीच का एवरेज, मतलब जो लोगों की डेथ जल्दी होती है उनके लिए मुझे प्रीमियम कंपेरेटिवली ज़्यादा चाहिए होते हैं, और जिन लोगों की डेथ लेटर ऑन लेट लाइफ में होती है 80s 90s में डेथ होती है वो लोगों के लिए मुझे कम प्रीमियम भी होगा ना तो चलेगा, क्योंकि बहुत सालों तक के लिए वो मुझे प्रीमियम भरेंगे ना, तो इन दोनों के बीच का जो प्रीमियम होता है ना एवरेज जिसको बोलते हैं एवरेज उसको बोलते हैं लेवल प्रीमियम। तो ऑफिस प्रीमियम भी है ना टिपिकली लेवल प्रीमियम के जैसे ही होता है। ठीक है, समझ में आया ये? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इफ द प्रीमियम फॉर 20 ईयर एंडोमेंट पॉलिसी फॉर गिवन एज इज 4800, एक पर्टिकुलर गिवन एज है समझो 30 ईयर्स और 20 ईयर्स की पॉलिसी है, आप कितने कितने ईयर्स की पॉलिसी खरीद रहे हो लाइफ इंश्योरेंस की 20 ईयर्स की, तो आपको प्रीमियम भरना है 4800। ठीक है, इट मीन्स दैट 4800 हैज टू बी पेड ईच ईयर फॉर 28 ईयर्स, मतलब आपको नेक्स्ट 28 ईयर्स तक हर साल 4800 भरते रहना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लेवल प्रीमियम। आया समझ में? क्लियर है? यस मैम। ओके, मैं बीच बीच में इसलिए पूछ रही हूँ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर डाउट होगा तो आप मुझसे ऑन द स्पॉट क्लियर करते जाओ, इसलिए मैं पूछती रहती हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है जनरली अगर आप गूगल सर्च करोगे ना रिबेट का मीनिंग, तो मतलब होता है डिस्काउंट।
अब रीबेट पे भी कोई डिस्काउंट मिलता है क्या आपको? देखो अगर आप लमसम प्रीमियम पे करते हो ना, लमसम पूरे साल का एक साथ, तो मे भी आपको कुछ डिस्काउंट कुछ गेन हो सकता है। देखो रिबेट ऑन सम अश्योर्ड, सम अश्योर मतलब पॉलिसी कितने की है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी है। आप 5 लाख के ऊपर जो प्रीमियम भरते हो ना, उसे कहते हैं रिबेट फॉर सम अश्योर्ड। देखो रिबेट फॉर सम अश्योर्ड इज ऑफर टू दोज हु बाय पॉलिसीज विथ हायर अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड। आपने ना बहुत बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, बड़े अमाउंट की, 50 लाख रुपए की फैमिली इंश्योरेंस खरीद लिया, पूरे फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। 1 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे लोगों को ना, क्योंकि आप बड़े अमाउंट का सम अश्योर्ड मतलब अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? रिबेट मिलेगा। देखो इट इज ऑफर्ड, आपको ऑफर किया जा रहा है एज अ वे ऑफ पासिंग ऑन टू द अनदर टू ऑन टू द कस्टमर। आप ये कस्टमर के ऊपर पास करते हो। द गेन्स दैट इंश्योरर मे मेक व्हेन सर्विसिंग हायर वैल्यू पॉलिसीज। अब ये क्या क्या ऑफर किया जाता है, कंपनी क्या ऑफर करती कस्टमर को? जो कंपनी थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स अर्न करती है ना, ये हायर वैल्यू पॉलिसीज पे भी, 1 करोड़ की मैंने पॉलिसी खरीदी पूरी फैमिली के लिए, तो 1 करोड़ पे प्रीमियम भी बड़ा होगा। बड़ा प्रीमियम मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट ज्यादा है ना, तो जो प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करती है ना, उसका कुछ हिस्सा कंपनी कस्टमर के साथ शेयर करती है, ऑफर करती है। समझ में आया? क्लियर हुआ जो मैंने बताया? यस और नो? यस यस मैम, यस ठीक है। आगे देखो, वेदर एन इंश्योरर सर्विसेज अ पॉलिसी फॉर 50,000 और फॉर 5 लैक्स। अगर इंश्योरर कोई भी पॉलिसी ले खरीद मतलब बेच रहे, या तो 50,000 की या तो 5 लैक्स की, अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर बोथ इज सेम। एफर्ट तो दोनों के लिए आप सेम लगाओगे ना, चाहे आप कंपनी हो और तो कंपनी बन के आप कस्टमर को 50,000 की पॉलिसी बेचो या 5 लाख की पॉलिसी बेचो या 1 करोड़ की पॉलिसी बेचो, अल्टीमेटली एफर्ट तो दोनों के लिए लगा रहे हो ना, तो दोनों दोनों के लिए खर्चे भी कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग दीज पॉलिसीज रिमेन्स द सेम, बट ऑल दो मेहनत आपकी सेम लग रही है, कंपनी की मेहनत दोनों में सेम है और खर्चा भी दोनों के लिए सेम हो रहा है, लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे तो 5 लाख अगर आपने पॉलिसी बेची 5 लाख रुपए की, तो आपको 5 लाख पे प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा। प्रीमियम विल बी मोर, जितना प्रीमियम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा। तो कंपनी यही जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है ना, उसका कुछ हिस्सा कस्टमर्स को शेयर करती है, इसको बोलते हैं रिबेट ऑन सम अश्योर्ड, वो लिखा हुआ है। अभी समझ में आया? देखो बट द हायर सम अश्योर्ड पॉलिसीज यील्ड, यील्ड मतलब अर्न, जब जब कंपनी हायर सम अश्योर्ड पॉलिसीज बेचती है ना, बड़े वाला अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट का पॉलिसी बेचती है ना कंपनी, उसमें से कंपनी को अर्निंग्स मिलती है। यील्ड मतलब अर्निंग, क्या अर्निंग मिलती है? मोर प्रीमियम, प्रीमियम ज्यादा होता है, प्रीमियम ज्यादा मतलब ज्यादा प्रॉफिट। तो इस वजह से कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ थोड़ा सा ये प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करती है, उसको बोलते हैं रिबेट ऑफ सम अश्योर्ड। अब आप बोलोगे मैम आपने तो रिबेट का मतलब डिस्काउंट बताया। हाँ डिस्काउंट ही है ना, अभी भी आप अगर अगर थोड़ा डीपली सोचेंगे ना, तो डिस्काउंट ही है। देखो समझो आप कंपनी को मैं प्रीमियम दे रही हूँ 5,000 रुपये हर महीने, ठीक है? प्रीमियम तो कंपनी को बहुत अच्छा मिल रहा है, बड़ा अमाउंट मिल रहा है, कहाँ 200 का प्रीमियम, 300 का प्रीमियम, 1,000 का प्रीमियम, कहाँ 5,000। तो 5,000 कंपनी को हर महीने प्रीमियम मिल रहा है, हर महीने। तो कंपनी ना ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने बड़े अमाउंट की पॉलिसी खरीदी तो प्रीमियम भी बड़ा है। अब बड़ा प्रीमियम मतलब कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिल रहा है, ज्यादा अर्निंग्स करने का मौका मिलेगा, ज्यादा अर्निंग्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट। अब कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किए, समझो कंपनी ने 1 लाख रुपए ज्यादा अर्न किया, वैसे कंपनी अर्न करती थी 35 लाख्स, अब कंपनी ने अर्न किया 36 लाख्स, 1 लाख ज्यादा अर्न किया। अब जो 1 लाख है ना, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, 20,000 रुपीज मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरे अकाउंट में आएगा 20,000 रुपीज। तो ये वही तो बात हो गई। अब कंपनी को मैं कितना दे रही हूँ हर महीने, 5,000, पूरा साल का कितना हो गया, 5,000 × 12 करो, 60,000, 60,000 होता है कि 6 लाख होता है, 60,000 होता है ना,
तो कंपनी को मैं, हाँ कंपनी को मैं 5,000 करके 12 महीने में कितना देती हूँ पूरे साल में, 60,000। तो 60,000 में से कंपनी मुझे बोलती 20,000 आपका माफ हो गया, माफ डिस्काउंट रिबेट माफ, मतलब जो 20,000 कंपनी मुझे दे रही थी ना अब कम, और मुझे कितना देना है कंपनी को 60, लेन देन खत्म करो ना, इधर से कंपनी मुझे 20,000 दे रही है, इधर से मैं कंपनी को 60,000 दे रही, तो कंपनी क्या बोलेगी मुझे, कंपनी क्या बोलेगी मुझे कि आप मुझे 60,000 देने वाले हो ना, उसमें से 20,000 काट दो जो आपको प्रॉफिट हुआ हमारी कंपनी की वजह से, कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर रही है ना आपसे 20,000, तो 60 में से 20 को माइनस कर दो जो आपको मिलने वाला था वो माइनस कर दो, और आप मुझे कितना पे करने वाले थे 60, तो 60 में से 20 को सेट ऑफ कर दो, लेन देन खत्म 20,000 की, और आप मुझे फाइनल प्रीमियम कितना पे करेंगे 40,000, तो हो गया ना 20,000 का डिस्काउंट, 40,000 हाँ तो 40,000 पे किया तो 20,000 का डिस्काउंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिबेट का मतलब डिस्काउंट होता है, अभी क्लियर हुआ, हाँ यस मैम। अभी देखो नेक्स्ट, रिबेट फॉर मोड ऑफ द प्रीमियम, अब है ना अगर आप मोड, मोड का मतलब होता है, अभी ना आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म होता है ना, फॉर्म भरते हो ना, नाम ऑक्यूपेशन आपकी एज आपका लाइफस्टाइल चॉइसेस आप कौन से बिजनेस में हो आपकी एज क्या है मेडिकल हिस्ट्री क्या है सब, जब भी आप फॉर्म भरते हो ना उस फॉर्म में ना एक और ऑप्शन होता है मोड ऑफ द प्रीमियम, अब मोड का मतलब क्या होता है मैम, मोड मतलब कैसे भरोगे, कैसे आप प्रीमियम कैसे भरोगे, एनुअली साल भर में एक बार 60,000 एक बार भरोगे, हाफ ईयरली 6-6 महीने में भरोगे 30-30,000, क्वार्टरली 3-3 मंथ्स में भरना चाहते हो आप, या मंथली भरना चाहते हो 5-5,000 एवरी मंथ, आपको कैसे भरना है, अगर मंथली भरोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है सॉरी, अगर क्वार्टरली भरोगे तो भी कोई डिस्काउंट नहीं है, हाफ ईयरली भरोगे तो हाँ डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा सा 2% डिस्काउंट, अगर एनुअली भरोगे 60,000 अपनी कंपनी को एक साथ दे दिए तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, वाओ 5% डिस्काउंट, देखो समझ में आया, मैंने एग्जाम्पल दिया, हर कंपनी का अलग अलग होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको समझ, आपको समझाने के लिए कि मोड ऑफ प्रीमियम पे रिबेट मिलता है डिस्काउंट मिलता है, अभी समझा, यस मैम, यस मैम, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अलाउ प्रीमियम आपको भरने को अलाउ कर सकते हैं, प्रीमियम टू बी पेड इन एनुअली हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली कैसे भी भर सकते हो, जितना आप फ्रीक्वेंट भरोगे, फ्रीक्वेंट मतलब मंथली, उतना उतना आपको रिबेट नहीं मिलेगा, तो मोर कॉस्ट ऑफ सर्विस मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है ना, हर महीने आपसे प्रीमियम लेने का खर्चा, कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर ईयरली और हाफ ईयरली के मोड में जाते हो ना तो कंपनी के लिए खर्चे कम हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, अभी समझा क्या बोला मैंने, यस और नो, कम ऑन क्विकली गिव योर आंसर्स, रिबेट ऑन मोड ऑफ द प्रीमियम समझा, यस यस मैम, यस मैम, ओके ओके नेक्स्ट, एक्स्ट्रा चार्जेस, अभी प्रीमियम में हम कभी एक्स्ट्रा चार्जेस भी भरते हैं क्या, हम पॉइंट कर रहे हैं प्रीमियम की, डिटरमिनेंट्स खत्म हो गए, अभी हम क्या नेक्स्ट पॉइंट हमने शुरू करी हुई है प्रीमियम, हम पढ़ रहे हैं प्रीमियम के बारे में, ये देखो प्रीमियम, ठीक है प्रीमियम में हमने पहले पढ़ा प्रीमियम होता क्या है, एग्जाम्पल भी देख लिया, प्रीमियम में एक रिबेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें दो रिबेट होते हैं, एक रिबेट ऑफ सम अश्योर्ड और एक होता है रिबेट ऑफ रिबेट फॉर मोड ऑफ द प्रीमियम, ये दो रिबेट होते हैं, अभी एक और पॉइंट होती है प्रीमियम की जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, क्या आप प्रीमियम के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भरते हो, हाँ कभी कभी भरना पड़ता है, कब भरना पड़ता है, जब भी मेरे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे होते हैं, पहले नहीं थे जब मैं पॉलिसी खरीद रही थी, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही थी तो कंपनी ने नोटिस किया कि आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बढ़ रही हैं, तो कंपनी ने जब ये नोटिस किया ना तो आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करना शुरू किया, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस,
देखो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि समझो आपको बिगनिंग से ही ना हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कभी हार्ट प्रॉब्लम, कभी डायबिटीज, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कोई और प्रॉब्लम, कभी आइस का प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गया, कभी स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ना आप कंटिन्यूसली ना मेडिसिन पे रहते हो, मेडिसिन पे दवाइयाँ लेते रहते हो, तो कंपनी ऐसे केसेस में भी प्रीमियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। अभी समझ आया मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल पढ़, एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ जैसे आपको समझ आ जाए। क्लियर है? यस मैम। अभी देखो, एक्स्ट्रा चार्जेस वुड बी चार्ज्ड फॉर अ पर्सन प्रपोजिंग फॉर हेल्थ फॉर इंश्योरेंस सफर्स फ्रॉम सर्टन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं पहले से ही, उनके लिए ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लाइक हार्ट एलमेंट्स। एलमेंट्स मतलब प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको बोलते हैं एलमेंट्स। जब हम किसी बीमारी से सफर कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं एलमेंट्स। हार्ट एलमेंट्स मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स, और डायबिटीज, कोई भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं, अगर इट कैन पोज अ हैजार्ड टू हिज लाइफ। अभी ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपके लाइफ में हैजार्ड मतलब रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो क्योंकि रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लगेगा कंपनी का। पर सर को देखो मेरे, सो इवन द इंश्योरर में डिसाइड टू इम्पोज एन एक्स्ट्रा प्रीमियम बाय द वे ऑफ हेल्थ एक्स्ट्रा, मतलब क्योंकि हेल्थ डिजीजेस आपके जो एज के हिसाब से हेल्थ डिजीज हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, तो प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है? किसी किसी का ऑक्यूपेशन ही ऐसे होता है, जैसे सर्कस में काम करना, अभी सर्कस में एनिमल्स के साथ काम करना होता है, या ऊपर से नीचे लटक के दिखाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई से गिर के दिखाना पड़ता है, तो इसमें तो रिस्क है, पांव टूट सकता है, हार्ट टूट सकता है, डेथ भी हो सकती किसी की। ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, अटैक स्ट्रोक आ सकता है, तो सर्कस में काम करने वाला ऑक्यूपेशन भी आपके लिए हैजार्डियस हो सकता है। हैजार्डियस मतलब डेंजरस, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्जेस डाले जाते हैं। अगर आप ऑक्यूपेशन ही आपका सर्कस जैसा है, या आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप ट्रैकिंग सिखाते हो, जो मैंने पहले क्लियर किया, और क्लाइंबिंग सिखाते हो, या फिर कार रेसिंग में हिस्सा लेते रहते हो आप फ्रीक्वेंटली, अगर आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं, प्रीमियम से ज़्यादा भरना पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट, अभी देखो, जब हम प्रीमियम डिसाइड करते हैं ना, प्रीमियम डिटरमाइनिंग द प्रीमियम, तो कंपनी कौन सी चार पांच चीज़ों को देखती है, एंड मॉर्टेलिटी, कि इंसान कितना जीता है और कब मरता है, वो ना मेजरमेंट की जाती है अंदाजे से। अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है ना कि कौन कब किसकी कब डेथ होगी, तो ये तो पता नहीं होता, लेकिन आप हेल्थ इश्यूज को देखकर तो लगा सकते हो ना पता, थोड़ा आइडिया तो निकाल सकते हो कि लंबा जिएगा कि नहीं जिएगा। अभी बचपन से ही किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर बोन्स का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज हैं, लंग्स में इश्यूज हैं, बचपन से ही, तो इंसान कम ही जिएगा, पता ही लगता है, वो तो आइडिया ही होती है उसकी। तो मॉर्टेलिटी मतलब अंदाज़ा लगाना कि इंसान की लाइफ कितनी होगी। इंटरेस्ट मतलब अगर मैंने इस बंदे को इतने की पॉलिसी बेची, तो इसमें से मैंने कितना अर्न करना है, वो भी कैलकुलेट होता है प्रीमियम के टाइम पे। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैं प्रीमियम आपसे, जब मैं प्रीमियम लूँगी ना, तो ये भी देखूंगी कि मेरे खर्चे निकलेंगे प्रीमियम में से कि नहीं निकलेंगे, मेरे मैनेजमेंट के खर्चे, मेरी ऑफिस के खर्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, नहीं तो मैं प्रीमियम आपसे इतना कम कैसे ले रही हूँ, तो मैं अपने खर्चे भी तो निकालूंगी आपके जेब में से। ठीक है? रिजर्व्स, आगे चल के मेरे को रिजर्व कितना करना पड़ेगा, उससे वो सोचकर भी प्रीमियम आपसे लिया जाता है। और बोनस लोडिंग मतलब आपको जो फ्यूचर में बोनस दिया जाता है ना, उसकी बिगनिंग से ही प्लानिंग की जाती है, तो उस प्लानिंग के हिसाब से आपके ऊपर प्रीमियम चार्ज किया जाता है। मतलब प्रीमियम चार्ज करने से पहले ये पांच चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है कि ये रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी इसको रिकवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी आपको पेमेंट ज़्यादा कर दे और मुझे नुकसान हो जाए, कंपनी को नुकसान हो जाए। यहाँ पे दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना कस्टमर को ना कंपनी को, तो इसीलिए ये पांचों चीज़ें कंसिडर की जाती है, मॉर्टेलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, रिजर्व्स एंड बोनस लोडिंग। ठीक है? ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए।
अब नेट प्रीमियम क्या होता है? नेट प्रीमियम आपको पता है नेट प्रीमियम क्या होता है? एस्टिमेट्स ऑफ मोर्टैलिटी एंड इंटरेस्ट गिव्स द नेट प्रीमियम. मतलब जब आप मोर्टैलिटी और इंटरेस्ट का एस्टिमेशन लगाते हो ना, तब आपको नेट प्रीमियम पता चलता है कि नेट प्रीमियम है क्या आपका. ठीक है, मतलब कस्टमर से मुझे कितना प्रीमियम चार्ज करना. और ग्रॉस प्रीमियम मतलब उसमें अभी तक आपने कुछ भी नहीं कैलकुलेट किया. नेट प्रीमियम में आपने प्लस मतलब कुछ भी उसमें से माइनस नहीं किया, कुछ भी आपने एक्सपेंसेस या जो भी चीज़ें बोनस वगैरह हैं वो कोई भी चीज़ें आपने माइनस नहीं किए, ये कैलकुलेट नहीं किए, उसे बोलते ग्रॉस प्रीमियम. इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम. ओके, सो आपके चैप्टर की लास्ट पॉइंट, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. अब इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर चैप्टर में लगभग आप देखोगे, हर चैप्टर में. और मुझे जितना पता है ना, हर चैप्टर में पॉइंट्स भी सेम है, क्योंकि फॉर्म तो सबके सेम होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स सबके सेम होते हैं ना. अभी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फॉर्म, कि मुझे आपकी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, तो आपसे क्या क्या मांगते हैं, क्या मांगेंगे? आपका एज, आपका मेडिकल हिस्ट्री, आपकी लाइफ, लाइफ का ऑक्यूपेशन, आपकी अर्निंग्स कितनी है, आप ऑक्यूपेशन क्या आपका, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड कितना है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी एज क्या है, सब पूछेंगे ना. तो वो तो मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में भी पूछते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी पूछते हैं. अब देखो, पॉलिसी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन. जब हम पॉलिसी खरीदने जाते हैं कंपनी से, तो क्या प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि मुझे प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है. एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है सबके लिए सेम. मैं आपके लिए यूनिफॉर्म अलग रखती हूँ, किसी और के लिए यूनिफॉर्म अलग रखती हूँ, ऐसा होता है? स्कूल में सबको यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ना, हाँ या नहीं? रिबन का कलर, शूज का कलर सबका एक जैसे होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है सबके लिए सेम. रूल जो होता है ना, वो सबके लिए सेम है. जो फॉर्म होता है ना, जो फॉर्म हम भरने जाते हैं, वो सबके लिए सेम होता है. तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रपोजल फॉर्म, और फिर उसको सबमिट करने के लिए क्या क्या चाहिए नीचे, सेकेंड पॉइंट. तो प्रोसीजर और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने पड़ते हैं, चलो देखते हैं. पॉलिसी का प्रोसीजर है, पहले तो आपको प्रपोजल फॉर्म खरीदना पड़ेगा जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होता है. और द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब जो लेना चाहता है, हु डिसाइड्स टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो खरीदना चाहता है, जो लेना चाहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे कहते हैं प्रपोजर. मेक्स द प्रपोजल थ्रू दिस फॉर्म. मतलब मैं समझो खरीदना चाहती हूँ आपकी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैं पहले प्रपोज करूंगी ना आपको कि मुझे ना आपकी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, तो आप मुझे फॉर्म दोगे, वो फॉर्म मैं भर के दे दूंगी आपको, उसको कहते हैं प्रपोजल. दीज फॉर्म्स प्रोवाइड. अब इस फॉर्म में क्या होता है, रेलिवेंट डेट होती है. डेट मतलब कब से आपको, कब आप ये फॉर्म भर रहे हो उसकी डेट. अच्छा, ये डेट क्यों होती है, क्योंकि हमको रिस्क के बारे में जानकारी निकालनी ना, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक इसका लाइफ का पॉलिसी खरीदा जा रहा है. इंफॉर्मेशन भी होती है इसमें, फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी होती है जो आपको करेक्टली भरनी है, क्लियरली भरनी है, प्रॉपरली भरनी है, सच्चाई से भरना है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर जो है वो ही, करेक्टली मतलब विदाउट मिस्टेक्स, और प्रॉपरली मतलब ज्यादा वो कट करके नहीं भरना, क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है. द इंश्योर्ड मतलब कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव टू रेफरेंसेज इन द प्रपोजल फॉर्म. सॉरी, इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट को, कस्टमर को, प्रपोजर को दो रेफरेंसेस देने पड़ते हैं. दो रेफरेंसेस मतलब ऑलरेडी जो कंपनी, जिस कंपनी की आप पॉलिसी खरीद रहे हो, उस कंपनी के दो कोई भी कस्टमर्स का नाम जो आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव हो सकते हैं. अभी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी, अब अगर मुझे वहाँ से कोई पॉलिसी खरीदनी है, तो मुझे ऐसे दो लोगों का नाम देना पड़ेगा जो मेरी पहचान में भी है और कंपनी की पहचान में भी है. कंपनी की पहचान में तो तभी होंगे ना जब उनके कस्टमर होंगे. वो हो सकता है ना मेरी बिल्डिंग में, मेरे सोसाइटी में, या मेरे फ्रेंड्स में, मेरे रिलेटिव्स में कोई तो होगा जो आपकी कंपनी का कस्टमर रह चुका है. उन दोनों का नाम देना है और फोन नंबर के साथ, उसको बोलते हैं रेफरेंस. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस.
अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. जब आप एस वाई और टी वाई में जाओगे ना, जब आगे सेमेस्टर्स में, तो हमारा कॉलेज है ना प्लेसमेंट देता है, प्लेसमेंट मतलब आपको जॉब्स लेकर देता है. तो जब आपको कॉलेज के थ्रू जॉब मिलती है ना, तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है टीचर्स का. तो जैसे आपने मेरा नाम दे दिया, मैम का नाम दे दिया, प्रिया मैडम का नाम दे दिया, तो वो ना वो हमको कंपनी वाले कॉल करते हैं पूछने के लिए कि जो आपका ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो ये ईयर में इसने टी वाई क्लियर किया, वो कैसा था पढ़ाई में और उसका बिहेवियर कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, मतलब उसने सही सही उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया कि नाम खराब किया, फेल तो नहीं हुआ था किसी में, समझ में आ रहा है. ये सब देखो, फेल और पास तो मार्कशीट भी बता सकती है, पर आपके बिहेवियर के बारे में कौन बताएगा. तो आपको टीचर्स का ना रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज के थ्रू आपको मिल रहा है ना, तो आपको टीचर का रेफरेंस देना पड़ता है. और टीचर रेफरेंस तभी अच्छा देंगे जब आप अच्छा चलोगे, जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, जब हर चीज़ का आंसर दोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे हर एक्टिविटी में, तभी तो टीचर्स बोलते हैं ना, हाँ ये बच्चा अच्छा था, इनको जॉब देने लायक है. और वाकई में वो टीचर की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बच्चों को जॉब दे देते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस. ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया. हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट प्रोवाइड होती है वाकई में, और बहुत सारे हमको ऐसे कॉल्स आते हैं कंपनी से कि आपका ये टी वाई का बच्चा इस ईयर का 1920 का टी वाई का स्टूडेंट है जिसका नाम यही है, वो कैसा था. तो वो हमारा रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट, और रिकॉर्ड के बेसिस पे आगे पास ऑन करते हैं एचआर मैनेजर को, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको जॉब देना है कि नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, प्रपोजल फॉर्म में और क्या होते हैं? प्रपोजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है क्या? किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे? आपका नेम, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी इंडियन हो कि एनआरआई हो, ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी एज, फैमिली बैकग्राउंड, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कभी ऑपरेशन हुआ है पहले कभी, आपकी हेल्थ कैसी है, अच्छी है कि सिक रहते हो, बीमार रहते हो, कोई डिजीजेस पहले से ही हैं क्या, उसको टिक करो अगर इनमें से कोई डिजीजेस हैं तो. तो ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली आपको भरनी पड़ती है, अवॉइड नहीं कर सकते हो जिसे आप. अगर ये फॉर्म ही नहीं भरोगे तो एप्लीकेशन जाएगा ही नहीं, एप्लीकेशन जाएगा ही नहीं तो पॉलिसी खरीद ही नहीं सकते हैं. तो ये अवॉइड नहीं कर सकते. ये पहला सिस्टम, पहला स्टेप होता है किसका? पॉलिसी के प्रोसीजर का. प्रोसीजर में सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म होता है. प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा. अब सेकेंड स्टेप होता है सबमिट करना. अब ये प्रपोजल फॉर्म को सबमिट करना है किसके साथ? प्रूफ के साथ. क्या क्या प्रूफ मांगते हैं? क्या प्रूफ मांगते हैं? देखो, सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एज. आपसे ना एज का प्रूफ मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो मांगेंगे जिससे आपकी एज के बारे में पता चले. मेडिकल एग्जामिनेशन मांगेंगे, मतलब आपका ना मेडिकल चेकअप होगा, आईज प्रॉपर है, हाइट, वेट सब ठीक है कि नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, ज़्यादा वेट तो नहीं है, सब चेकअप होगा आपका. रूटीन चेकअप कैसे होता है हमारा, बॉडी चेकअप वैसा चेकअप होगा. हार्ट बीट चेक होती हैं और पल्स चेक होते हैं, नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं. बीपी चेक होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है कि नहीं. ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कंपनी इसलिए करती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है ना कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, प्रपोजल फॉर्म में आपने लिखा है, तो सच है कि नहीं है, वो कंपनी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए जानकारी निकालती है कंपनी आपके लिए. ठीक है, ये सेकेंड स्टेप होता है. फिर नेक्स्ट होता है स्क्रूटिनाइज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल. अब सब कुछ ठीक ठीक हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी सब ठीक, कंपनी को लगा हाँ सच बोला इसने, सब ठीक है, एज भी बराबर है जो उसने बताई थी वही है, ठीक है, सब सही है. तो कंपनी ना स्क्रूटिनाइज मतलब चेकिंग कर चेक करेगी सब सही है कि नहीं है, रिपोर्ट के हिसाब से चेक करेगी, जो रिपोर्ट्स आती है मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट करती है. प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद आपको पहला प्रीमियम भरना पड़ता है, और पहला प्रीमियम भरने के बाद आपको मिलता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, FPR. याद रखो, कौन सा रिसिप्ट मिलता है कस्टमर को? FPR, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत. वो आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ते हैं. FPR मिलेगा ना, FPR मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, ये वो प्रीमियम का रिसिप्ट होता है, प्रूफ होता है ये पेपर डॉक्यूमेंट, वो होता है जो प्रूफ है कि मैंने कंपनी को पहला प्रीमियम भरा. कब भरा? जब कंपनी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया. अब फर्स्ट प्रीमियम भरा आपने, फर्स्ट प्रीमियम भरा, ये देखो
पेमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम या इश्यू ऑफ द पॉलिसी, जैसे ही आपने फर्स्ट प्रीमियम भरा ना आपको एफपीआर मिलेगा। एफपीआर मिलने के बाद कंपनी ना क्या करती है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। कंपनी और कस्टमर दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो अभी कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ भी तो चाहिए कि आप 20 साल की पॉलिसी आपने मेरे से खरीदी है, तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना मुझे कि मैंने खरीदी है आपसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपको कंपनी देती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। लास्ट स्टेप, कंपनी आपको क्या देती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आया समझ में 4 स्टेप्स में ये कैसे हमने क्लियर किया? देखो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है कंपनी को स्क्रूटिनाई करने के बाद, फर्स्ट प्रीमियम रिसीव करने के बाद। देखो, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम एंड आफ्टर स्क्रूटिनाइंग द प्रपोजल फॉर्म द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज इशूड। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होता है, जिसमें मेंशन होता है सब मेंशन होते हैं, कंडीशंस, टर्म्स, आपकी पॉलिसी कब खत्म हो रही है, क्या अमाउंट आपको मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉमिनी कौन है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पेपर जो मेन पेपर होता है, जिसको हमको खोना नहीं है, गुम नहीं करना होता है। गुम कर दिया तो गया, फिर बैठ के कंपनी में चक्कर काटते रहो जब तक आपको दूसरा उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिले, फिर चक्कर काटने पड़ते हैं कंपनी में। आया समझ में, क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस, तो देखो पॉलिसी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन में 4 स्टेप्स थे। पहला प्रपोजल फॉर्म, उसमें क्या क्या होता है हमने वो देखा। फिर प्रपोजल फॉर्म के साथ साथ आपको क्या सबमिट करना है, सबमिट करना है प्रूफ, एज का प्रूफ और मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रूफ, मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी तो वो कॉन्फिडेंट होगी ना, किसी से भी आप थोड़ी भरवा सकते हो वो रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट तो डॉक्टर, अप्रूव्ड डॉक्टर ही आपको करके दे सकता है ना। फिर थर्ड स्टेप होता है कंपनी ना, ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एज प्रूफ, मेडिकल एग्जामिनेशन के रिपोर्ट, डॉक्टर के जरिए, उसको स्क्रूटिनाई करके प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद आपको फर्स्ट प्रीमियम भरना पड़ता है। फर्स्ट प्रीमियम भर के आपको कंपनी देती है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो कंपनी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो हमारा लास्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम एंड इशू ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अभी समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ? यस मैम। सो अवर चैप्टर इज ओवर। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स सिलेक्ट करने हैं, और इसके बाद कुछ ब्लैंक्स और मैच द पेज हैं एंड कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इज इट ओके एवरीबॉडी? यस मैम। सो अवर चैप्टर इज डन टुडे। We will begin with next chapter in the next lecture. अभी है किसी का lecture कि end कर सकते हैं हम? No ma'am, end कर सकते हैं ना। Very good, चलो कोई बात नहीं। पर मैं आपको बता दूँ second chapter का नाम क्या है, introduction to life insurance plans। अभी हमने क्या किया था, introduction to life insurance। अभी life insurance के under में कौन कौन से plans होते हैं, schemes कौन कौन सी होती हैं, अभी हम next chapter में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? Okay, ma'am. Yeah. Okay. So we shall wind up now. I think किसी को कुछ doubt तो नहीं है? No doubts, ma'am. No doubt. आप फिर भी revise कीजिए, कुछ doubts होंगे तो हम clear कर सकते हैं next lecture में. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Take care, everybody. Bye. Okay, ma'am. Bye. Hi, ma'am. Bye. Take care. Thank you. Yeah.